बिहार के सियासत के भी अनेक रंग हैं और ये सभी रंग फिलहाल बिहार के कुढ़नी विधानसभा के राजनीतिक गलियारों में दिख रहे हैं। अरे हाँ, अगर आप कभी बिहार नहीं गए हैं तो आपको बताते चले कि ये विधानसभा इतना खास क्यों है और बिहार के किस जगह पड़ता है। पटना से गंगा पुल पार करने के बाद हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ेंगे तो जिले की सीमा कुढ़नी विधानसभा सीट से ही शुरू होती है। मुजफ्फरपुर शहर से पहले नेशनल हाईवे 77 पर दोनों तरफ कुढ़नी विधानसभा का इलाका आता है। वैशाली जिले की सीमा से सटा कुढ़नी खेती किसानी वाला इलाका है और 5 दिसंबर को इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव है। आइए समझते हैं इस सीट के बारे में और इस विधानसभा में क्या हलचल है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। सबसे पहले यह जान लीजिए कि 2020 में चुनाव हुआ तो इस सीट से आरजेडी के टिकट पर अनिल सहनी जीते थे। घोटाले में फंसने की वजह से सदस्यता चली गई, जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। कुढ़नी का ये उपचुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सामाजिक समीकरणों को लेकर पॉलिटिकल पंडित जीत हार का आकलन करने में लगे हैं। चलिए जानते हैं कुढ़नी का किंग कौन बनेगा। चुनावी इतिहास से समझिए इस सीट का सारा गणित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी करीब 4 महीने पहले अलग होने के बाद पहली बार कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आमने सामने है। इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं और यह उपचुनाव मौजूदा विधायक अनिल कुमार सहनी की अयोग्यता के कारण हो रहा है। कुढ़नी उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हालांकि मुकाबला मुख्य रूप से जदयू के मनोज सिंह कुशवाहा और बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता के बीच है। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जनसभा हुई थी। बीजेपी हो या जदयू आरजेडी, सभी दलों के नेता चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आज आखिरी दिन 2 चेहरों पर सबकी नजर टिकी हुई है। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की। चिराग पासवान आज कुढ़नी में प्रचार के लिए उतरे हैं। चिराग पासवान बीजेपी उम्मीदवार के लिए यहां प्रचार करेंगे और साथ ही बीजेपी के सांसद रवि किशन भी कुढ़नी में प्रचार करने पहुंचे हैं। कुढ़नी में ये 2 युवा चेहरों पर सबकी नजर होगी। इस वक्त कुढ़नी में चुनावी माहौल बिल्कुल दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि सीधी टक्कर भले ही बीजेपी और जदयू उम्मीदवार के बीच में हो, लेकिन 2 अन्य उम्मीदवारों ने इस लड़ाई को चौतरफा बना दिया है और ये 2 उम्मीदवार जितना वोट लाएंगे इसी से पता चलेगा कि आखिर कुढ़नी का भविष्य किसकी हाथों में है। हम बात कर रहे हैं वीआईपी कैंडिडेट नीलाभ कुमार की और एआईएमएम के उम्मीदवार गुलाम मुंतजा अंसारी की। इन दोनों उम्मीदवारों ने यहाँ पर दोनों बड़े दलों का समीकरण बिगाड़ दिया है और आशंका है इन दोनों बड़े दलों को कि इनकी तरफ से जो वोट काटे जाएंगे उसका असर सीधे सीधे उनके उम्मीदवार और जीत पर पड़ेगा। चलिए सीट के पिछले कुछ चुनावों के इतिहास पर नजर डालते हैं। केदार प्रसाद गुप्ता पूर्व मुखिया को बीजेपी ने 2015 विधानसभा चुनाव में दंगल में उतारा था। मनोज कुमार सिंह को काफी मतों से चुनाव में हराया था इन्होंने। चलिए सीट के पिछले कुछ चुनावों के इतिहास पर नजर डालें। केदार प्रसाद गुप्ता पूर्व मुखिया को बीजेपी ने 2015 विधानसभा चुनाव में दंगल में उतारा था। मनोज कुमार सिंह को काफी मतों से हराया था इन्होंने। 2015 के मुकाबले में तीसरी और चौथे नंबर पर मृत्युंजय और अब्दुल गफार को मिलकर 9,153 वोट मिले थे। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता को 73,227 और जदयू के मनोज कुमार को 61,657 वोट मिले थे। इस तरह मनोज कुशवाहा 11,570 वोट से हार गए थे। वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मनोज कुमार कुशवाहा चुनाव में नहीं उतरे, जिसके बाद यहां से आरजेडी प्रत्याशी की जीत हुई थी। 2015 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले केदार गुप्ता को 2020 में अनिल सहनी ने मात्र 712 मतों से हरा दिया था। इसकी मुख्य वजह तीसरे नंबर के उम्मीदवार राम बाबू सिंह को माना जाता है, जिनको 10,041 वोट मिले थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर यही वोट केदार प्रसाद गुप्ता के पक्ष में जाते तो चुनाव रिजल्ट बदल भी सकते थे। पिछले 2 चुनावों को देखें तो 2022 के उपचुनाव में वीआईपी के उम्मीदवार पर सबकी नजर रहेगी। इतिहास गवाह है कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर हर चुनाव में अलग अलग समीकरण देखने को मिलता है।
कुड़िनी उपचुनाव में जदयू नेता मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहीं एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता हैं। इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता दोनों पूर्व मुखिया के साथ साथ पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तमाम नेताओं के दावे वादे और प्रचार के बाद आज जब शोर थमेगा तो 5 दिसंबर को मतदान होंगे और मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि किस दल की रणनीति काम आई। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।